इस तरह के मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेंटर अब आपको जगह जगह दिखाई पड़ सकते हैं। इन सेंटर्स में मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अब डॉक्टर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एजेंसी की मदद से मरीजों की जांच की रिपोर्ट, उनको दी जाने वाली दवाई के अलावा और भी कई छोटी छोटी जानकारियों को सिलसिलेवार संभाल कर रख सकते हैं, और ये सब डॉक्टर अपनी पीसी पर किसी भी समय खोल कर देख सकते हैं। यानी कि डॉक्टर और मरीजों की फाइलों को संभालने की झंझट अब खत्म। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में डॉक्टर द्वारा पहले से रिकॉर्ड की गई जानकारी को हेडसेट के जरिए सुनकर उसको क्रमबद्ध करना ही मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिससे कि वो हम लोग को यूएसए से या जर्मनी से या यूके से पूरा डाटा रिसीव करते हैं, उसको हम उसको फॉर्म में करके, बिकॉज यूएसए में ये मैंडेटरी हो गया कि जितने मेडिकल क्लेम्स हैं दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली ट्रांसक्रिप्ट, तो उसको वहाँ पे उसको ट्रांसक्रिप्ट करके विद इन 8 आवर्स वी सेंड बैक द कंप्लीट थिंग टू हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में चिकित्सीय शब्दावली टाइपिंग और आवाज को जल्दी से जल्दी समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का काम डॉक्टर खुद नहीं करते, इसलिए रोजगार की संभावनाएं इसमें बढ़ी हैं। आंकड़ों के मुताबिक विश्व में करीब 5 लाख मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में निपुण लोगों की जरूरत है। यूरोपीय देशों में इसका तेजी से उपयोग बढ़ रहा है और भारतीयों की अंग्रेजी की अच्छी समझ के कारण इसमें अवसरों की कमी नहीं है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक नेटवर्किंग विशेषीकृत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर्वर, कंप्यूटर, पैडल मशीन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्राम और टेलीफोन की जरूरत होती है। मूलतः मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम डॉक्टर्स, अस्पताल, विशेष परीक्षण चिकित्सालय, राज्य सरकार के चिकित्सा केंद्र और चिकित्सा संबंधी जानकारी देने वालों के पास होता है। लेकिन भारत में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम ज्यादातर यूरोपीय देशों से आता है, क्योंकि हमारे देश में श्रम मूल्य विदेशों के मुकाबले कम है, पर धीरे धीरे भारतीय डॉक्टर भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे अपनाने लगे हैं।